पेशावर में मुकीम अफगान मौसीकारों का एहतजाज। मुजाहरीन का कहना है कि उन्हें अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है जहां उनकी जान को खतरा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज आजम रहमान से, जो मौसीकारों के एहतजाज में मौजूद हैं। जी आजम रहमान। जी बिल्कुल, अफगान मौसीकार जो पेशावर में मुकीम है, आज वो अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे इनका एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त जारी है। हमारे साथ मौसीकार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका ये जो एहतजाज है, ये इसकी क्या वजूहत है? यहाँ पर हमारे अफगान भाई भी हैं और पाकिस्तानी भाई भी हैं, ये सब हम मिलकर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि वहाँ पर अफगानिस्तान में मौसीकी पर बंदिश है, वो वहाँ पर बैन हुई है मौसीकी, और फनकार वहाँ पर बेइज्जत हुए हैं, उनकी जान को खतरा है। वो यहाँ पर आए हैं अपनी जान बचाकर और यहाँ की पुलिस उन्हें पकड़ रही है और रिपोर्ट कर रही है और तालिबानों के हवाले कर रही है। हमारे चार नामी गिरामी म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को उन्होंने पकड़ा है अफगानिस्तान के, और वो रिपोर्ट करवा रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने इनकी बदस्तूर अफगान जो मौसीकार थे, जो वहाँ से जाने बचा के तालिबान की हुकूमत में यहाँ पे आए थे, उनको जो है रिपोर्ट किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से अरेस्ट करके एफआईआर दर्ज करके उनको रिपोर्ट किया जाता है, जिसके खिलाफ आज यहाँ पे मुजाहरा किया जा रहा है।